नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2022 अभी तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। टीम को भारत और यहां तक के कमजोर माने जाने वाली जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ एक रन से हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की टीम को। लेकिन दोस्तों, दो हार के बाद पाकिस्तान की टीम बिल्कुल बाहर नजर आ रही है टी20 वर्ल्ड कप से। ये चर्चा अभी बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में लगातार दो हार के बाद भी पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ग्रुप टू में भारतीय टीम ने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की। वहीं साउथ अफ्रीका का एक मैच रद्द हुआ और एक मुकाबले में उसने जीत हासिल की, इसलिए साउथ अफ्रीका की टीम के 3 अंक हैं और जिम्बाब्वे की टीम के 3 अंक हैं। और अभी के पॉइंट्स के हिसाब से भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जाना तो भैया बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो वहीं जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में से एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। अब ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है। ऐसे में उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे 3 मैचेस जीतने ही होंगे। पाकिस्तान को भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। और ऐसे में अगर पाकिस्तान ये तीनों मुकाबले बड़े अंतर से जीत लेता है तो उनके 6 अंक हो जाएंगे। इसके अलावा उसे ये दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे अपने बाकी बचे मैचेस में से 2-2 मुकाबले हार जाए। ऐसी स्थिति में दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हालांकि ये उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम ने साल 2009 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। तब से टीम इस ट्रॉफी से दूर है। वहीं पिछले साल पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कप्तान बाबर आजम की कप्तानी पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं क्रिकेट फैंस जो हैं वो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या अगले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम बरकरार रहती है टी20 वर्ल्ड कप में, या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।